भगत सिंह की फांसी से एक दिन पहले जेल के बंदी क्रांतिकारियों ने उन्हें एक खत पकड़ाया जिसमें लिखा था, सरदार यदि आप फांसी से बचना चाहो तो बताओ, इन घड़ियों में भी शायद कुछ हो सके। इस खत के जवाब में भगत सिंह ने लिखा, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जिंदा नहीं रह सकता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाबी पार्टी का निशान बन चुका है और इनकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। अगर मैं फांसी से बच गया तो इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए, लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत से हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की तमाम शैतानी शक्तियों के बस की बात ना रहेगी। हां, एक विचार आज भी चुटकी लेता है, देश और इंसानियत के लिए जो कुछ हसरतें मेरे दिल में थी उनका हजारवा हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा कोई भी लालच मेरे दिल में फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आया। भगत सिंह एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो राष्ट्रवादी और देशभक्त था। एक अमीर परिवार से होने के बावजूद उनका दिल गरीबों पर हो रहे अत्याचार के लिए तड़पता था। भगत सिंह करीब 12 साल के थे जब जलियांवाला बाग में हत्या का कांड हुआ था। कहते हैं जब उन्हें इस कांड की जानकारी मिली उस वक्त वो स्कूल में थे। वो उसी समय 12 मील पैदल चल के जलियांवाला बाग पहुंच गए। वहां पहुंच के भगत सिंह ने सबसे पहले ये किया कि खून से सनी हुई मिट्टी उठाई अपने हाथ में और एक शीशी में भर के घर ले आए। जब घर आए तो उनके भीतर बहुत बड़ा सन्नाटा बसा हुआ था। बहन ने पूछा, कहां से आए हो? तो कुछ नहीं बोल रहे थे। अच्छा, कुछ खाओगे, कुछ कहोगे? कुछ नहीं बोले भगत सिंह। अंत में फिर अपने आप ही बोले कि आओ तुम्हें एक चीज दिखाएं। और जिस शीशी में वो मिट्टी रखकर लाए थे वो शीशी उन्होंने अपनी बहन को दिखाई और कहा, देखो ये अपने देशवासियों के खून से सनी हुई मिट्टी है। 1923 में भगत सिंह ने कॉलेज ज्वाइन करा था जहां अपने आसपास लोगों को अवेयर करने के लिए वो ड्रामा क्लब में पार्टिसिपेट करा करते थे। उस समय वो बब्बर अकाली नाम के एक दल के साथ भी जुड़ गए, पर जल्द ही पुलिस की नजर में ये दल चढ़ा। इसके ज्यादातर सदस्यों को धर लिया गया। इसी बीच घर में उनकी दादी ने उनकी शादी की बात चलवा दी, पर भगत सिंह तो देश के नाम जीवन कर चुके थे, इसीलिए वो अपने पिता के नाम एक चिट्ठी छोड़ कानपुर चले गए। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसदे आला यानी आजादी हिंद के असूल के लिए कुर्बान हो चुकी है, इसीलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी सुख के लिए कोई जगह नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बाबूजी ने मेरे यज्ञ वज्ञ के वक्त ऐलान किया था कि मुझे हिदमत वतन के लिए कुर्बान कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे मुआफ फरमाएंगे। आपका भगत सिंह। इसी दौरान भगत सिंह लाहौर आते जाते रहे जहां एक दिन झूठे मामले में उन्हें 1926 में पुलिस ने पोस्टल जेल में बंद कर दिया। किताबें पढ़ने के शौकीन भगत सिंह जेल की काल कोठरी में एक अलग ही दुनिया से रूबरू हो रहे थे।
भगत सिंह की क्रांति को एक मुकम्मल दिशा तब मिली जब उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई। काकोरी कांड में बिस्मिल, अश्वकुल्ला, रोशन ठाकुर और राजेंद्र लहरी की फांसी ने भगत सिंह को बहुत ही विचलित कर दिया था और फिर साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय की पुलिसिया अत्याचार में मौत ने भगत सिंह को गुस्से में भर दिया था। वो अंग्रेजों के जुल्म का जवाब ऐसी भाषा में देना चाहते थे कि उन्हें हिंदुस्तानियों की ताकत का एहसास हो सके। भगत सिंह और उनके साथियों ने एक योजना तैयार करी। तय किया गया कि दो दिन तक जय गोपाल स्कॉट के आने जाने के वक्त पर निगाहें बनाए रखेंगे। स्कॉट की हत्या का जिम्मा भगत सिंह और राजगुरु पर था। जय गोपाल ने स्कॉट को पहचानने में गलती कर दी। स्कॉट से पहले ही एएसपी सॉन्डर्स मोटरसाइकिल पर बैठकर मुख्यालय के गेट पर आया और जय गोपाल ने संकेत दे दिया। राजगुरु ने तुरंत सॉन्डर्स की गर्दन पर गोली ताक दी। मोटरसाइकिल समेत सॉन्डर्स वहीं ढेर हो गया। इसके बाद भगत सिंह ने 5 गोलियां सॉन्डर्स के सर में उतार दी ताकि काम अधूरा ना रह जाए। इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया। अंग्रेजों के अंडर काम कर रही पुलिस पागल सी हो गई थी। झटपटाहट में हर तरफ छापा मारना शुरू कर दिया। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह तैनागी बढ़ा दी गई। लाहौर से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। झेलम दिया लहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल उठी, झेलम दिया लहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल उठी, पिंडा बिच उठी पुकारा जब खुद शहरा शहरा बोल उठी, पिंडा बिच उठी पुकारा जब खुद शहरा शहरा बोल उठी, सोए मुल्क बिच बलिदाना। ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। उन दिनों क्रांति के रास्ते पर चलने वाली चंद महिलाओं में से एक थी तेजस्वनी दुर्गावती देवी। चंद्रशेखर आजाद फेश बदलने में माहिर थे। उन्होंने सोचा क्यों नहीं दुर्गा भाभी के साथ पति पत्नी के वेश में भगत सिंह लाहौर से बच निकलें। इस काम में बहुत खतरा था। अगर भगत सिंह पहचाने जाते तो दुर्गा भाभी भी गोलियों के निशाने पर होती। लाहौर स्टेशन पर कोट पैंट पहने, तिरछी टोपी लगाए एक साहिब और साथ में खूब सजी धजी मैम स्टेशन पर पहुंचे। पुलिस वालों ने भी उन्हें देखकर सर झुकाया और सैल्यूट ठोका। साहब भगत सिंह और मैम साहिब दुर्गा भाभी फर्स्ट क्लास में और चपरासी बने राजगुरु सेकंड क्लास में सवार हुए और ट्रेन अमृतसर के लिए रवाना हो गई। भगत सिंह पुलिस की पकड़ से बहुत दूर निकल गए। ट्रेन से भागने के दौरान भगत सिंह को फेश बदलने के लिए अपने केश कटाने पड़े थे जो कि उनके धर्म के विरुद्ध था। भगत सिंह एक कट्टर सिख परिवार से आते थे लेकिन उनके संस्कार में धर्म से पहले देश का महत्व था। दुनिया भर के मजदूर अपने हक की लड़ाई में एकजुट हो रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत इस आंदोलन को तोड़ने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल लाने के मूड में थी। ये स्पष्ट तौर पर मजदूर आंदोलन को कुचल डालने का प्रयास था। ऐसे में इनकलाब जिंदाबाद के साथ भगत सिंह ने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा जोड़ दिया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान का परिचय लेनिन के नारे से भी कराया, दुनिया के मजदूर एक हो।
ब्रिटिश सरकार मजदूरों को कुचलने का अपना मन बना चुकी थी। ये खबरें भी आम थी कि अगर कानून पास करने में कोई रुकावट आई तो वाइसरॉय अपना विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके इसे पास कर देंगे। भगत सिंह ने एक बहरी सरकार को सच सुनाने की ठान ली थी। वो ऐतिहासिक तारीख थी 8 अप्रैल 1929, जब बिल को असेंबली में पेश किया जाना था। योजना के मुताबिक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के अलावा बस दो क्रांतिकारी शहर में रह गए, बाकी अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो गए ताकि पुलिसिया कार्रवाई में सब पकड़े ना जाएं। एक दिन पूरी असेंबली खचाखच भरी हुई थी। बहुत सावधानी से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने साथ ऐसे बम अंदर लेकर आए जिनमें खूब आवाज थी, पर किसी को भी रद्दी भर भी नुकसान नहीं पहुंच सकता था। अगर भगत सिंह उस दिन चाहते तो असेंबली से कोई भी जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल सकता था, मगर नहीं। इस योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पहरों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए खुद को सरेंडर कर दिया था। ये खबर देश भर में आग की तरह फैल गई। गली गली में नौजवान मानो एक नई ऊर्जा से भर गए। इस मामले की पेशी के दौरान भगत सिंह अपनी बातों से जाहिर करते रहे कि आखिर क्यों उन्हें उस बम कांड को अंजाम देने की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई पिस्तौल नहीं थी, बल्कि हमने अपने आप को गिरफ्तार करवाया ताकि हम अंग्रेज हुकूमत को बेनकाब कर सकें, उसके जुल्म पूरी दुनिया को बता सकें। लेकिन जिस ख्याल से और जिस उम्मीद के साथ वो अदालत गए थे वो धुंधली ही रही। बहरे दरअसल बहरे ही रहना चाहते थे। देश भर में अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां होती रही। आजाद के अलावा ज्यादातर क्रांतिकारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सुखदेव और राजगुरु की भी गिरफ्तारी हो गई। भगत सिंह के परिवार को यह आशंका थी कि उनको फांसी की सजा दी जाएगी। कहा जाता है कि उनकी मां विद्यावती जी ने भगत सिंह के जीवन की रक्षा हेतु गुरुद्वारे में अखंड पाठ करवाया था। पाठ करने वाले ग्रंथी ने प्रार्थना करते हुए कहा, गुरु साहब, मां चाहती है कि बेटे की जिंदगी बच जाए, लेकिन बेटा देश के लिए कुर्बान हो जाना चाहता है। मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए हैं, जो ठीक लगे मान लेना। भगत सिंह को जब ये मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है गुरु साहब, देश की ही सुनेंगे। इस बीच अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी के लिए अदालत ने 24 मार्च 1931 की तारीख तय की तो भगत सिंह ने सरकार को एक पत्र लिखकर फांसी की जगह गोली से मौत देने की अपील की। जेल में रहने के दौरान भगत सिंह ने कैदियों की स्थिति बेहतर करने के लिए आंदोलन भी छेड़ा था। 2 महीने से ज्यादा वो भूख हड़ताल पर रहे और आखिरकार अंग्रेजों को उनकी बात माननी ही पड़ी। भगत सिंह को यकीन था कि उनकी कुर्बानी कई और भगत सिंह खड़ा करेगी और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगी। देश में बढ़ते आक्रोश को देख के अंग्रेजों ने उनकी फांसी का समय 11 घंटे घटा दिया, यानी अब अगली सुबह 6 बजे के बजाय उसी शाम 7 बजे उन्हें फांसी दी जाने वाली थी। जेल में बाकी कैदियों को एहसास तक नहीं था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उसी वक्त फांसी पर चढ़ाए जा रहा है। लेकिन भारी भरकम जूतों की आवाज, जाने पहचाने गीतों ने उन्हें उनकी बंद कोठरियों में और बेचैन कर दिया। मौत की सजा से पहले भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने कहा, मैं एक बार अपने यारों को गले लगाना चाहता हूं। फिर उन्होंने रस्सी को कुछ ऐसे चूमा जैसे मृत्यु से पुरानी यारी हो और अपने गले में खुद ही अपनी मौत पहन ली।
आंदोलन भड़कने के डर से जालिम अंग्रेजों ने पहले इनकी डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर बोरियों में भर के पास ही फिरोजपुर की ओर ले गए। लोगों को जब इस सच का एहसास हुआ कि अंग्रेजों ने शहीदों के अंतिम संस्कार के नाम पर उनके साथ क्या खिलवाड़ किया है, कैसी हैवानियत दिखाई है, तो आंदोलन और तेज हो गया। इस खबर को बाहर के देशों में भी छाप दिया गया था, जिससे अंग्रेजी शासन की काफी थू-थू हुई थी। भगत सिंह ने अपने आखिरी खत में लिखा था, दुनिया से क्यों खफा रहें, आसमां से क्यों गिला करें, सारा जमाना दुश्मन सही, आओ मुकाबला करें।